बताना चाहूँगा कि बहुत से खिलाड़ी हैं, मैं तो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। 2012 में सभी को DSP दिया गया था, मुझे दिया गया। इस सरकार में भी सीएम साहब ने पर्सनल कैबिनेट मीटिंग से करनाल के लड़के को 2010 के कॉमन गोल में लिस्ट को स्पेशल DSP दिया गया था। तो वो चीज़ें तो पुरानी हो चुकी है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि अपने हरियाणा गवर्नमेंट जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए नौकरी निकाले, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाएं। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक भिवानी का लड़का बॉक्सिंग का 4 बार नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला। वो कुछ हादसे के कारण वो बॉक्सिंग छूट गई उसकी और आज भी वो कुल्फी बेच रहा है। तो मैंने पहले जब खेल मंत्री जी के सामने मीटिंग हुई थी तब भी मैंने उसमें बोला था कि जिस खिलाड़ी की जो अचीवमेंट है उसके अनुसार तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए उसको, चाहे वो फोर्थ क्लास के लायक हो या थर्ड क्लास के लायक हो या सेकेंड क्लास के लायक हो। लेकिन नौकरियों में काफ़ी देरी चल रही है। देखिए, औरों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। 2013 में मेरा एशियन चैम्पियनशिप में मेडल था और 2014 में अर्जुन अवार्ड लिया था मैंने। तो मेरे दोनों के पैसे और सैफ गेम अभी हुए थे 2016 में, जो हरियाणा गवर्नमेंट देती है उसमें मेरे को वो पैसे नहीं मिले। कारण बताया जा रहा है कि आप हरियाणा की तरफ से निकल जाए, आप रेलवे से रिप्रेजेंट करते हो, जबकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के जो भी जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम या चैम्पियनशिप हैं, इनके पैसे हरियाणा गवर्नमेंट की देती रही है पहले भी, अर्जुन अवार्ड जैसे अवार्ड के लिए भी। बहुत से आप पॉलिसी अवार्ड लिस्ट निकालिए, आपको खुद पता लग जाएगा।